अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी ठीक हैं। और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो नाश्ता हमारा स्टार्ट हो रहा है और नाश्ता आज हलवा पूरी का हो रहा है। आज जल्दी उठ गए तो हलवा पूरी मिल गई है। और ये देखें, साथ चने का सालन है, साथ हलवा है, साथ अचार है, साथ पूरी है और साथ ये है आलू का सालन और वो चाय है। और ये बच्चे बैठे हैं इंतज़ार में कि जल्दी जल्दी से हलवा पूरी मिले हमें, हम खाएं। लोग जो है बस रेडी होके बैठ चुके हैं, तो बस जल्दी से नाश्ता करेंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो न्यू देखने वाले हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को, तो चलें। और हमारी वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें ताकि और लोग भी ज्वाइन कर लें। तो चलें मिलते हैं नाश्ते के बाद। ये देखें, नाश्ते के बाद मैंने लगा ली थी मशीन। मशीन के देखें कितने सारे कपड़े मैंने धोए आज, कुछ अभी मशीन पे हैं धुले हुए, ये सारे ये सूख जाएंगे कल, तो फिर इनको डालूंगी। उसके अलावा मैंने कुछ टेबल पे रखे हुए धुले हुए, यहाँ दो तारे हैं ना, इस वजह से इधर कपड़े पूरे नहीं आते। तो नाश्ते के बाद मैं ये कपड़े वगैरह धो रही थी, तो अब ये है कि खाना खाने लगे और मैच भी ख़त्म हो गया, पाकिस्तान हार गया है, तो इधर हम खा रहे हैं खाना। खाने में आज बनाई है दाल और साथ है चावल और साथ है सैलेड। अचार खाना है, अचार पड़ा हुआ है, लेना अचार। हाँ, अचार तो दाल चावल के साथ लाजमी खाना होता है ना। फातिमा कहाँ खा रही हो, चावल? अच्छा, वही फातिमा चावल खा रही है। देखें, जिस जिसने खाने आ जाए, देखें मज़ेदार सी दाल है, साथ है चावल। इधर जो है पाकिस्तान हार चुका है, क्योंकि मैंने साथ साथ कपड़े भी धोए और नाश्ता हमने जो है तकरीबन 10 बजे किया था, तो वो भी हलवा पूरी खाई थी और वो इतनी हैवी लगती है ना, आपको पता है भूख लगती नहीं उसके बाद इतनी जल्दी, तो अब भूख लगी है। तो ये मैंने खाना बना के रखा हुआ था, मैंने जल्दी बना लिया था मशीन लगाने से पहले, मैंने पहले खाना बनाया था उसके बाद कपड़े धोए थे। जी जी बेटा, और ये दाल चावल के साथ अचार ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। ले लें अचार आप भी, हमारे घर से अचार तो ख़त्म ही होता ही नहीं ना, हम सब शौक से खाते हैं। अब किस दिन मैं घर पे बनाऊंगी अचार, नींबू का ना। हाँ, और इधर हमने खाना वाना खा लिया है, तो मैं आके अभी बैठी थी वीडियो एडिट कर रही थी, तो हस्बैंड जो है चाय बना के ले आए। थैंक यू, शुक्रिया आपका। ज़ाहिर में सुबह की लगी हुई थी काम करने, पहले खाना वाना बनाया उसके बाद कपड़े धोए, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। अब मज़ेदार सी चाय मिल गई है मुझे, आप लोग पियेंगे। अच्छा, तो चाय के साथ जब तक कुछ हो ना मज़ा नहीं आता ना, तो बिस्किट गन बला जिसे कहते हैं। मम्मा की जान, किसकी जान हो आप, मम्मा की जान हो। अच्छा, शहजादी हो ना हमारी, बोलो माशाल्लाह। ऐसे कर दो, हमारे चैनल को लाइक करें। चलें जी, मैं चाय पी लूं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। कितनी मज़े की लग रही है यार, अभी चखती हूँ मैं, टेस्ट करती हूँ। वाकई मज़े की है, ज़बरदस्त। हम अभी खाने आए हैं फलता, बच्चे भी बैठे हैं इधर, अहमद अली बैठा है। क्या खाने आए, आइसक्रीम खाने आए हैं, तो हम खाएंगे आइसक्रीम और मैं तो खाऊंगी फलूदा, और इनके बाबा खाएंगे, इनके बाबा पियेंगे सूप। आपने सूप मंगवाया, तो चलें पीछे जो है तैयार हो रहा है हमारा फलूदा और सूप तैयार हो रहा है दुकान का, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये है पिशावरी आइसक्रीम फालूदा, और अब जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, तो इन्होंने जो है सर्दियों का खास तोहफा चाइनीज़ चिकन कॉर्न सूप ही रख दिया है, और बहुत ही मज़ेदार यमी होता है। फातिमा हाय करो, बोलो हेलो गाइस। और फातिमा जो है अपनी गुड़िया पटोले सब साफ सुथरी खाती है, है ना फातिमा।
बच्चे आज कह रहे हैं कि हमने आइसक्रीम नहीं खानी, बच्चों ने कहा है हमें आइसक्रीम ना खिलाएं, हमें ना कोई फ्रूट ले दें, है ना, फ्रूट ले लेते हैं, सही है। माशाल्लाह कितना अच्छा है इन्होंने ना डेकोरेट किया हुआ है। बाबा बाबा आ रहे हैं, आ रहे हैं बाबा। ये सूप में डालते हैं ना, ये वो है। ये देखिए फालूदे का गिलास बना हुआ है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना ऐसे लग रहा है असल में फालूदा है ना। देखिए हमारा फालूदा आ चुका है, ख़त्म हो गई होगी ना, और वो इनके बाबा पी रहे हैं सूप। और अभी हम खाने लगे हैं खाना, दाल चावल। बच्चों का दिल नहीं कर रहा था कि दूसरी दफ़ा भी दाल चावल खाएं, तो दाल तो मैं ले आई हूँ रोटी के साथ, और साथ मैंने शामी और चपली कबाब फ्राई कर लिए थे। तो बस सबकी अपनी अपनी पसंद है, रात का टाइम है तो कोई कह रहा है मैंने क्या खाना है, कोई क्या खाना है, तो चलें मैंने कहा रात का खाना खाते हैं, तो व्लॉग का भी एंड कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी बच्चों को सुलाऊंगी, सुबह स्कूल है इंशाल्लाह। तो चलें अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का सबका बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला कल मिलूंगी नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़। और इधर मैं बच्चों को सुलाने आई थी तो बच्चों ने कहा मामा कोई मुझे हमें ना कहानी कोई स्टोरी सुना दें, तो कभी कभी बच्चों का दिल करता है कि कोई स्टोरी सुना दें, तो मैं इनको स्टोरी सुना रही थी आज के इनके जो नाना अबू हैं यानी कि जो मेरे अबू हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दे, तो उनकी एक स्टोरी मैंने सुनाई, सच्चा वाक्य बचपन का तो नहीं उनकी जवानी का था, तो अब्बू ने मुझे सुनाया करते थे जब मैं सोने लगती थी, तो मैं अब्बू से कहती थी अब्बू मुझे कहानी सुनाएं, तो अब्बू बताते थे कि मैं जब अपनी जॉब पर जाता था तब उस दौर में अब्बू कह रहे थे मैं साइकिल पर जाता था अपनी, वो एक एरिया ऐसा था गाँव का जब वो सियालकोट में रहते थे, कहते हैं जिस जगह से मैं गुजरता था वहाँ सन्नाटा रात के टाइम होता था, तो वो अब्बू कहते हैं कि मैं साइकिल चला रहा था तो मैं काफ़ी लेट हो चुका था तो वापस जा रहे थे, तो अब्बू कह रहे हैं कि जब मैं कढ़ाई से नीचे उतरते हैं तो जब साइकिल नीचे जा ही नहीं रही थी, पीछे से इतना वज़न हो गया था, अब्बू कह रहे हैं कि वो ना साइकिल चल ही नहीं रही थी मुझसे आगे, तो कह रहे हैं बड़ी मुश्किल मैं ज़ोर लगा रहा था लेकिन चल नहीं रही थी, तो फिर अब्बू ने कहा कि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि ऐसे लग रहा था पीछे से जिससे कोई खींच रहा हो, तो अब्बू कहते हैं जब मैंने पीछे मुड़ के देखा ज़फ़र, तो अब्बू कह रहे हैं कि पीछे ना एक सरकटा बैठा हुआ था, पता है आपको सरकटा, अब्बू कह रहे हैं जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा ना अब्बू कह रहे हैं साइकिल छोड़ के अब्बू भागे, अब्बू ने पीछे मुड़ के नहीं देखा ना कि आया है कि नहीं आया, अब्बू बस डर के ना भाग पड़े जोर से, तो वो अब्बू भागे भागे थोड़ा सा दूर रह गया था घर, बीच में एक ना जैसे एक छोटी सी वो नदी टाइप नहीं आती था, अब्बू ने उसमें छलांग लगा के उसमें से तैर के गए, फिर तो आगे जाके ना घर के दरवाजे के आगे बेहोश हो गए, नहीं उस टाइम उनके दरवाज़ा खोला ना हमारी दादी अम्मा ने दरवाज़ा खोला, तो वो उठा के लेके गए, सारे आए मेरे चचा भी आए उन्होंने उठाया, कह रहे मैं बहुत कांप रहा था और बुखार भी एकदम तेज़ चढ़ गया अब्बू को, उन्होंने ना लालटेन, पहले लाइट रोशनी नहीं होती थी ना, बिजली वगैरह इतनी नहीं होती थी, फिर वो लालटेन होती थी वो उसमें मिट्टी के तेल से, उसको जला के सारे लोग गए फिर वहाँ पर साइकिल देखने, और अब्बू ने कहा ना वहाँ सरकटा देखा है, तो कहते हैं चलाओ हम देखने चलते हैं, तो सब गए तो वहाँ कह रहे कुछ भी सरकटा कुछ भी साइकिल बस वहीं पड़ी हुई थी, साइकिल ले आए नहीं, तो अब्बू को तीन चार दिन अब्बू कह रहे मुझे ना बुखार रहा शदीद तेज़ किस्म का बुखार, सुन रही हो मीरब तुम लोग वैसे ही डरते हो, अब्बू ने तो देखा हुआ है सरकटा, तो हैं मैं आज यहीं बैठी रहूं, ये क्या बात हुई भाई, मैंने इसलिए तो नहीं स्टोरी सुनाई कि तुम लोग डर के इधर ही मुझे बिठा लो, हाँ अब्बू के साथ एक नहीं अब्बू के साथ दो तीन वाक्य हुए ऐसे, अल्लाह ना करे कैसे कर रहे हो तुम लोग, सोओगे नहीं साहब, मैंने इसलिए नहीं सुनाया अच्छा कि तुम लोग सोओ ना, अब मुझे अब यहाँ बैठना पड़ेगा सारी रात, वो तो वो पहले दौर की बात थी ना, ऐसे थोड़ी डरो तुम लोग पागल हो, नए फ्यूचर का मैंने इसलिए स्टोरी नहीं सुनाई थी अच्छा, अब सो जाओ बस करो, मुझे खुद इतना डर लगता है, अब सो जाओ सरकट आ जाएगा नहीं तो, फातिमा आपको बहू से डर नहीं लगता, चलें भाई बच्चों को सुलाती हूँ इससे पहले ये लोग मुझे यहाँ बिठाएं, इनको जल्दी से सुलाऊं।